हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द्विवेदी क्लासेस प्रयागराज। बच्चों, अभी पिछले वीडियो में मैंने आपका सैंपल पेपर आईसीएसई बोर्ड क्लास 9 के लिए शुरू किया था, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 में 3 पार्ट थे। तीनों को हमने बहुत ही आसानी से समझा। उम्मीद करता हूं कि वो वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। और अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ जाके उस वीडियो को ज़रूर देख लें। चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जैसे मैं मैथमेटिक्स का वीडियो आपके लिए डालूँ तुरंत आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो आज की वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स, कह रहा है यूज कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। यहां पे मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन में एक फिगर आपको बना के दिया है और कह रहा है कॉन्ग्रुएंसी का यूज करिए और उसकी हेल्प से एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड करिए। तो यहाँ पे इस फिगर में एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे जो एंगल ए और एंगल सी जो बन रहा है आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी राइट एंगल है, 90 डिग्री है, ये देना चाहिए, यहाँ पे मेंशन नहीं है, यानी कि इनकम्प्लीट है, इसे आप मेंशन कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है बहुत ही आसान तरीके में। तो ये फिगर आपको दिया हुआ है, इसको देख करके कॉन्ग्रुएंसी का यूज करना है और उसकी हेल्प से एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करना है। बड़े ही ध्यान से आप देखिएगा, यहाँ पे हमने दो ट्रायंगल ले लिए, इन ट्रायंगल एबीडी एंड ट्रायंगल बीसीडी, ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल को हमने ले लिया है। हम इनको कंपेयर करेंगे। हम दोनों ट्रायंगल को क्यों ले रहे हैं, बिकॉज हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि कौन से पार्ट। अब जैसे आपको पता ही होगा कि कॉन्ग्रुएंसी के लिए क्या कंडीशन होते हैं, 4 केसेस होते हैं, एस केस मीन्स जब ऐसे दो ट्रायंगल जहाँ पे दो उनके सभी साइड आपस में इक्वल हो, एस ए एस मीन्स टू साइड वन एंगल, और ए एस ए मीन्स टू एंगल वन साइड, आर एच एस मीन्स एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा जहाँ पे हाइपोटेनस एक साइड और 90 डिग्री का एंगल इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम देखिए, सबसे पहले एक ट्रायंगल हमारा ए बी डी ये वाला हो गया और बी सी डी मीन्स ये हो गया। अब यहाँ पे गौर से आप देखिए, ए बी इज इक्वल टू सी डी, दिस इज गिवन टू अस। भाई ये जो दो लाइन यहाँ पे ड्रॉ है और दो लाइन यहाँ पे, इसका मतलब है कि ये दोनों आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, या इसे एंगल बी ए डी कह दें और इसे डी सी बी या बी सी डी भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये दोनों एंगल क्यों इक्वल है, ईच 90 डिग्री, दोनों ही 90 है इसलिए इक्वल होना ही है। तो इसके बाद आप देख लीजिए, एक साइड यहाँ पे है क्या, बी डी इज इक्वल टू डी बी। अब यहाँ ध्यान से देखिए, इसको बी डी कहें या डी बी कहें कोई फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि ये ऐसा साइड है जो इस ट्रायंगल में भी है और इस ट्रायंगल का भी है, तो इसको हम लिख देते हैं कॉमन साइड्स, ठीक है, ये क्या है, कॉमन साइड्स है। यूजुअली अगर ये 90 डिग्री ना होता तो हम ये कहते हैं कि दो साइड मिल गया है, एक एंगल मिल गया है, तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, लेकिन यहाँ पे 90 भी है तो यहाँ पे क्या कहेंगे, बाय आरएचएस क्राइटेरिया, ठीक है, आरएचएस क्राइटेरिया से ट्रायंगल एबीडी इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल बी सी डी। अब अगर कोई भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसका क्या मतलब है, फिर लिखते हैं सो बाय सी पी सी टी। आपको पता ही होगा सी पी सी टी का क्या मतलब होता है, करिस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी ऐसे दो ट्रायंगल जो कॉन्ग्रुएंट होते हैं उनके करिस्पॉन्डिंग पार्ट, पार्ट मीन्स उनके साइड, उनके एंगल आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो एंगल एक्स है ये इक्वल एंगल 50 डिग्री के हो जाएगा, ठीक है, एक्स यहीं से मिल गया, और ये जो साइड है कौन सा, ए डी इज इक्वल टू बी सी, ठीक है। देखिए यहाँ पर ए डी इक्वल टू बी सी है ना भाई, करिस्पॉन्डिंग पार्ट का मतलब ये है कि जो करिस्पॉन्डिंग एंगल होंगे या जो करिस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ए डी इज इक्वल टू बी सी है, एक्स तो हमने पहले ही निकाल लिया, ए डी था वाई माइनस 10 एंड बी सी क्या है, बी सी है 3y-20, वाई को हम एक तरफ कर लें, 3y-3y इज इक्वल टू -20 + 10, दिस इज -2y इज इक्वल टू -10, -, कैंसल, सो वाई इज इक्वल टू 10/2, दिस इज कैंसल, सो वी गेट हियर 5।
तो देखा आपने कांग्रुएंसी का यूज़ करके बड़े आसानी से हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर लिया है। तो क्वेश्चन नंबर टू का ये फर्स्ट पार्ट था, चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं क्या दिया है। स्टूडेंट्स, जो अगला क्वेश्चन है वो लॉगरिथम से रिलेटेड है। कह रहा है एक्सप्रेस दीज इन एज अ सिंगल लॉगरिथम। ठीक है, सिंगल लॉगरिथम में यूज़ करने चाह रहा है। इससे पहले कि मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूँ, आपको लॉग की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में याद दिला दूँ। देखिए क्या होता है स्टूडेंट्स, log m इंटू एन कैन बी रिटेन एज log m प्लस log n। याद रखिएगा, यानी कि log में अगर कोई चीज़ ऐसे मल्टीप्लाई में है तो ऐसे हम प्लस में अलग अलग कर सकते हैं। और ये भी याद रखिएगा कि ऐसा हरगिज़ नहीं है कि ये केवल दो के लिए ही है, अगर दो से ज़्यादा मल्टीप्लाई में है तो भी हम उन्हें इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं। दूसरा होता है अगर डिवाइड में है तो ये चीज़ सब्ट्रैक्ट में चली जाती है, यानी log m माइनस log n। और तीसरी मेन प्रॉपर्टी है log m टू पावर n, दिस कैन बी रिटन एज n log m। मीन्स यहाँ पे मैंने आपको थ्री बताए, ठीक है। अभी देखिएगा इन्हीं थ्री का मैं यूज़ करने वाला हूँ। अब हमारा जो क्वेश्चन है टू log थ्री, ठीक है। अब आप ज़रा यहाँ से ध्यान देखो, log m टू पावर n क्या है, n log m है ना। तो यानी कि n log m को मैं log m टू पावर n लिखूं या log m टू पावर n को n log m लिखूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ भी हम वही अप्लाई करना चाहेंगे, तो ये हो जाएगा log 3 स्क्वायर माइनस log 16 टू पावर 1 बाई 2 प्लस log। अब यहाँ पे जो 12 है ना, इसको मैं क्या करूँगा, अभी ऐसे ही रहने दूंगा, ठीक है। फाइनली देखेंगे लास्ट में इसका क्या करना है। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों मैंने क्या अप्लाई किया है, इसी तीसरे की हेल्प लिया है। ध्यान दे लीजिए भाई, log m टू पावर n कैन बी रिटेन एज n log m, ऐसे लिखें या फिर इसको हम ऐसे लिखें, रिवर्स भी ये फॉलो करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैंने वही यहाँ पे फॉलो किया है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, log 9 माइनस log, ये जो 16 है इसे हम 4 स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। ये 2 यहाँ पे कैंसिल हो गया, सो अब क्या बचा है, log 9 माइनस log 4, भाई 4 टू पावर 1 मीन्स 4 ही बचा ना, प्लस log 12। अभी यहाँ पे देखो आप, माइनस के केस में मैंने क्या बताया था कि log m माइनस n log n इज इक्वल टू log m बाई n। अब इसे हम LHS से RHS में करना चाहें या RHS से LHS में करना चाहें, दोनों तरफ से फॉलो होता है। दिस मीन्स मैं इसे लिख सकता हूँ log 9 बाई 4 प्लस log 12, ठीक है, आसान है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आप देखो ये प्लस में है, तो प्लस में कहाँ पे है, पहले वाले में, तो क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई में ना, मीन्स अब इसे लिख सकते हैं log 9 बाई 4 इंटू 12, ठीक है, ये 4 से कैंसल हो गया, सो वी हैव नाउ log 9 3 जा 27। अब कह रहा था ना कि एज अ सिंगल लॉगरिथम, तो हमने एज अ सिंगल लॉगरिथम इसको ला दिया है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 2 का, बल्कि ये 3 पार्ट है। कह रहा है कि एक हमें पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करना है, यानी ये क्वेश्चन कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, बहुत ही आसान है। यहाँ पे आप देख लीजिए क्या क्या दिया है, हमें दिया है AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और AD इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, एंगल DAB दिया है 45 डिग्री, और हमें क्या करना है, AC और BD को ज्वाइन करना है जो कि OP इंटरसेक्ट कर रहे हों। तो देखिए इसे बक करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले क्या करेंगे, AB हम ड्रॉ करेंगे, AB कितना है 6 सेंटीमीटर, आप स्केल से मेज़र करके 6 सेंटीमीटर कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया है, DAB इज इक्वल टू 45 डिग्री, मिडिल में क्या है A, इसका मतलब ये जो 45 है वो A पे बन रहा होगा, तो यहाँ पे हम 45 डिग्री एंगल बना लेंगे। आपको बनाना आता ही होगा, फर्स्ट आर्क पे जानते हैं 60 और दूसरे पे 120 होता है, और इन दोनों को हाफ करते हैं, एक 60 से लिया और एक 120 से, तो ये 90 बनता है, और 90 का हाफ करेंगे नहीं, एक 90 से आर्क और एक 0 से, तो ये 45 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे, फिर उसके बाद में तो ये 45 डिग्री बन गया, आगे दिया है AD इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, A ऑलरेडी दिया है, तो आप क्या करेंगे, कंपास को का मिडिल पॉइंट यहाँ पे रख के एक आर्क लगाएंगे 5 सेंटीमीटर का, जहाँ पे कट करें। अब ये जो 6 सेंटीमीटर है, इन केस ऑफ पैरेललोग्राम वी नो दैट अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये 6 है ना, तो ये वाला भी कहीं 6 ही होगा, तो इसलिए ये तो फिलहाल हमारा क्या हो गया, ये D हो गया। इस AB के पैरेलल एक हम DC लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि 6 सेंटीमीटर की होगी, तो पैरेलल का आप जानते हैं 6 सेंटीमीटर मेजर करिए और ऐसे आर्क
लगा दीजिए 6 सेंटीमीटर जहाँ जा रहा है इसको ऐसे मिला दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये 6 सेंटीमीटर का यहाँ से आर्क लगा देंगे जहाँ पे कट करेगा, और ये वाली लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर, इसके अपोजिट ये साइड होगा, यानी यहाँ से 5 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे जहाँ कट करेगा, उसको हम ऐसे मिला देंगे और इसको नेम सी दे दिया है। अब उसने कहा था कि BD और AC मिला दीजिए, ये देखिए हमने ज्वाइन करा दिया है, और जिस पॉइंट पे कट कर रहा है उसे ओ नेम दे दिया, ठीक है। डाउट है मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, बहुत सिंपल है। सबसे पहले हमने AB ऐसे ड्रॉ कर लिया, AB कितना था 6 सेंटीमीटर था, ठीक है, ओके। फिर DAB 45 डिग्री था, सो मैं यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल बनाऊंगा 60 120, और 120 से एक आर्क लिया और एक 60 से, तो ये 90 बन जाता है, एंड यू नो दैट हाफ ऑफ 90 इज़ 45 डिग्री, तो 90 से एक आर्क लिया और एक जीरो से इसको ऐसे मिला दिया। अब बिकॉज AD दिया है 5 सेंटीमीटर, तो 5 का मैं यहाँ पे आर्क लगाऊंगा, और इस AB के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है 6 सेंटीमीटर की, तो पैरेलल लाइन हम मेज़र करके 5 सेंटीमीटर ये ऐसे मिला दिए, तो यहाँ पे 6 आएगा, वो एक पॉइंट हो गया, और इधर से 5 सेंटीमीटर का मिलाएंगे जहाँ ज्वाइन किया उसको ऐसे मिला लिया, तो ये ABCD बन गया। उसने कहा था कि BD और DC ज्वाइन कराना है, OP मिले, तो ये देखिए OP मिल गया, कंस्ट्रक्ट हो गया, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको अच्छे समझ में आया होगा, अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मैं क्वेश्चन नंबर 3 को लेकर के आता हूँ अगली क्लास में।